तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों IPL यानी कि क्रिकेट का महाकुंभ 2025 में IPL में होने वाला है मेगा ऑक्शन। जी हाँ, बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी टीम को छोड़ सकते हैं। क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में रहेंगे, क्या महेंद्र सिंह धोनी नेक्स्ट IPL खेलेंगे, क्या विराट कोहली RCB को छोड़ेंगे, क्या हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बड़ी न्यूज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कब होने वाला है मेगा ऑक्शन, कितने मैच होने वाले हैं IPL 2025 में, और इसके साथ ही बड़े बड़े अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यदि आप हमारे इस YouTube पे नए हो तो भाई फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम डेली मैच के क्रिकेट के प्रिडिक्शन प्रोवाइड करते हैं, मैच के अपडेट प्रोवाइड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी सबको रिकॉर्ड करके सारे चीज का प्रिडिक्शन एक्यूरेट देते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है कमेंट कर देना। सबसे पहले बात करते हैं IPL का मेगा ऑक्शन कब है। दोस्तों ये होने वाला है दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच। जी हाँ, दिसंबर और जनवरी के बीच आपको ये मेगा ऑक्शन IPL का देखने को मिल सकता है। सेकेंड अपडेट ये आया है कि नेक्स्ट ईयर IPL में 74 मैचेस को बढ़ा करके 84 मैच करने का निर्णय हो सकता है। जी हाँ, नेक्स्ट ईयर हमें IPL में 84 मैचेस देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही 2027 के IPL में, जी हाँ, आज से 3 साल बाद जो IPL होगा उस IPL में लगभग 96 मैच होने की संभावना है। तो ये है एक अपडेट जो कि ऑफिशियली आ सकता है। जी हाँ, मेगा ऑक्शन तक की अपडेट आ सकता है। आगे चल के बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रिटेन प्लेयर लिस्ट की, कौन से खिलाड़ी किस टीम से रिटेन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं द मोस्ट लव्ड टीम जो होने वाली है RCB। आपको RCB से जो 4 खिलाड़ी है वो रिटेन हो सकते हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है: विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल। ये 4 खिलाड़ी RCB रिटेन कर सकता है और बाकी सबको मेगा ऑक्शन के लिए भेज सकता है। दिनेश कार्तिक ने रिटायरमेंट ले लिया है। इसके बाद रजत पाटीदार जैसे बहुत सारे सुपरस्टार RCB में प्रेजेंट है। तो सारे खिलाड़ी आने वाले हैं मेगा ऑक्शन में, और ये 4 खिलाड़ी जिसमें से कि विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कैमरन गिल और ग्लेन मैक्सवेल, ये शायद RCB रिटर्न कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं चैंपियन KKR की टीम की। तो भाई KKR मेरे अकॉर्डिंग सुनील नारायण, आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती को रिटेन कर सकती है। मिचेल स्टार, रिंकू सिंह जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी को ये टीम बाहर कर सकती है मेगा ऑप्शन के लिए। आगे चल के बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो भाई यहाँ पे ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और एक सरप्राइज पैकेज में जेक फ्रेशर मैकगर्क, ये 4 खिलाड़ी को DC रिटेन कर सकती है और बाकी सबको ये DC की टीम बाहर कर सकती है मेगा ऑक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, DC की टीम में भी डेविड वार्नर जैसे और भी बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी प्रेजेंट है, इन सभी को DC बाहर कर सकती है। आगे चल के बात करते हैं पंजाब किंग्स की। ये पंजाब किंग्स की टीम आपको सैम करन, अर्शदीप सिंह, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा, ये 4 खिलाड़ी को ही रिटेन कर सकती है। शिखर धवन की भी टीम चेंज हो सकती है और पंजाब में भी बड़े बड़े नाम हैं, ये भी बाहर हो सकते हैं। आगे चल के बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। देखिए, राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 4 खिलाड़ी रिटर्न करेगी जो इस प्रकार से: संजू सैमसन, जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग। भाई ट्रेंट बोल्ट को एक टीम बाहर कर सकती है। जी हाँ, ट्रेंट बोल्ट, ध्रुव जुरेल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को टीम बाहर कर सकती है। आगे चल के बात करते हैं SRH की। हैदराबाद की टीम यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, अभिषेक शर्मा, टी नटराजन, नीतीश कुमार रेड्डी, इन खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है। भाई ट्रेविस हेड को ये टीम बाहर कर सकती है। जी हाँ, जिन्होंने की लास्ट IPL में धूम मचाए थे वो खिलाड़ी हेनरिक लासन को भी ये टीम रिटेन कर सकती है, सॉरी बाहर कर सकती है। सोच लीजिए कि ये ऑक्शन कितना बड़ा है, जहां बहुत बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी आपको ऑक्शन में दिखने वाले हैं। मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, हेनरिक लासेन, शिखर धवन जैसे खिलाड़ी आपको ऑक्शन में दिखने वाले हैं। जहां पे की बात करते हैं द मोस्ट लॉट टीम चेन्नई सुपर किंग। जी हाँ, यहाँ पे की आपको ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, जडेजा और पाथिराना, ये 4 टीम को, ये 4 खिलाड़ी को CSK की टीम रिटेन कर सकती है। सरप्राइज पैकेज, महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, एक बात शायद रूमर्स कह रहे हैं या कंफर्म बोल सकते हैं कि MSD
नेक्स्ट आईपीएल शायद नहीं खेलेंगे, वो एज अ कोच एज अ मेंटोर इस टीम में शामिल रह सकते हैं, बट रूमर के अकॉर्डिंग या मोस्ट प्रोबेबली महेंद्र सिंह धोनी नेक्स्ट आईपीएल नहीं खेल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। ये टीम केएल राहुल, निकोलस पूरन, मार्कस टोनिस, मयंक यादव को रिटेन कर सकती है, बाकी सारे नाम को ये टीम बाहर कर सकती है। बात करें गुजरात टाइटंस की, ये टीम शुभमन गिल, साई सुदर्शन, मोहम्मद शामी और राशिद खान को रिटेन करेगी और बाकी सबको, तेवटिया को, डेविड मिलर को ये टीम बाहर कर सकती है। आगे चल के बात करते हैं द चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस की। जी हाँ, ये टीम को लेके काफी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि इस टीम में दो बड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या है। दोस्तों इस टीम की कमर कह सकते हैं रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। रोहित शर्मा बहुत सालों से डेक्कन चार्जर्स के बाद मुंबई इंडियंस से जुड़े हैं और लगातार टीम को प्रॉफिट करवा रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये टीम हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को रिटेन कर सकती है। जी हाँ, इसके बाद सारे खिलाड़ी ये टीम के ऑक्शन में आ सकते हैं, तो इसके बाद सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और बुमराह, ये चार खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस रिटेन कर सकती है। तो इस प्रकार से रिटेंशन लिस्ट आपके सामने इस वीडियो में आ गई है, तो एक बार देख लीजिए आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, आईपीएल कौन जीतेगा, कमेंट करना ना भूलिए, और कुछ अपडेट आती है तो वो जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।